हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब बात करेंगे बहादुरगढ़ की, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं और फिल्मी अंदाज में हथियार के बल पर कार तक छीनने की कोशिश कर रहे हैं और छीन ले रहे हैं। दरअसल शहर के औद्योगिक सेक्टर 4B में HSIDC में ड्राफ्ट्समैन को गोली मारकर उसकी गाड़ी लूट ली गई। गोली संजय के पैर में लगी, जिसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट्समैन संजय कुमार ड्यूटी के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में सेक्टर 4B में एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, उसी वक्त कुछ बदमाश आए और गाड़ी की चाबी छीनने लगे। इसी छीना झपटी में एक बदमाश ने संजय को गोली मार दी। शाम को करीबन 5:30 बजे मैं ऑफिस से निकलया अपने कमरे में आने के लिए। मैं सेक्टर 16 पुलिस चौकी में ही रहता हूँ, तो रास्ते में एक चाय की रेड़ी लगती है प्लॉट नंबर 39 के सामने, तो मैंने सोचा चलो ये चाय पी के फिर चलता हूँ कमरे में। तो मैंने वहाँ चाय पी के मैं चलने लगा ना, उसी दौरान वे लड़के आए, 4 लड़के थे वे आगे, उन्होंने एक ने मेरे हाथ से चाबी छीन ली और दूसरे ने मेरे पार में